दोस्तों आपको पता है कि दुनिया में अनेकों राजा हुए हैं जिन्होंने इस दुनिया पर राज किया है। उसी तरह से एक जंगल में भी राजा होता है जिसको हम शेर कहते हैं। उसका एटीट्यूड, उसका जो कुछ भी कहो, फुर्तीला शरीर, उसके सामने अच्छे से अच्छे जानवर भी पानी नहीं मांगते, तो वो खुद को अपने आप को जंगल का राजा कहता ही नहीं, वो किस तरह से मानता है। तो इस वीडियो हम आपको ऐसी क्लिप दिखाने वाले हैं जिसको देखने के बाद हम कहोगे हाँ वाकई जंगल का राजा शेर। दोस्तों यहाँ पे शेर और शेरनियों की बर्थडे पार्टी चल रही होती है और उसी बर्थडे पार्टी में सोचता है कि क्रोकोडाइल बिना इन्विटेशन कार्ड के घुसने की कोशिश कर रहा होता है। और ये चीज़ देखते हुए तुरंत ही उस शेरनी को पता चलता है कि क्रोकोडाइल बिना अनुमति के और तुरंत ही इसको हड़काने लगती है। तो शेरनी है जैसे इसको हड़का दी, तुम कैसे आए कि यहाँ पे मेरा पति है, अभी तुम जाओ यहाँ से। तो इसके बाद में क्रोकोडाइल कहता है छोटी बच्ची हो क्या, हमको नहीं बुलाया तो कि हम आएंगे नहीं, फिर भी ये चला आता है। उसके बाद ये चीज़ देखता है शेर कि जब हमारे घर में ऐसे एंट्री हो रही है तो शेर इसको तुरंत हड़काता है कि तुम जाओ, मैंने तुमको नहीं बुलाया यहाँ पे। और इसके बाद में शेर कहता है भाई बुलाया था, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में शेर कहता है बेवकूफ़ हो गया, मैंने तुमको नहीं बुलाया था। उसके बाद में कहता है चलो ठीक है नहीं बुलाया तो गुस्सा होने कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। और इसी बात में शेर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और शेर उसको हड़काने लगता है, कहता है दोबारा यहाँ पे मत दिख जाना, अगर यहाँ पे दोबारा दिखे तो मैं तुम्हारे को बहुत बुरा। दोस्तों इस क्लिप में देखिए यहाँ पे शेर एक नॉर्मल वॉक करके आ रहा होता है, उसको पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और उनकी मेहमान नवाजी के लिए बाहर निकल के आता है। तो उसने सेल्फी वेल्फी लिया और बाकायदा एकदम अंदर चला गया। तो यहाँ पे एंट्री होते छोटे दादा की जिसे हम बाघ के नाम से जानते हो। बाघ यहाँ पे सोचता है कि इस टाइम भी ये बंदर आज हमारे हाथों से नहीं बचने वाला और इसको ये नहीं पता होता है कि ये बंदर कहाँ पे है। ये सोचता है कि बंदर को हम नीचे पकड़ सकते हैं तो इसको पेड़ पे पकड़ सकते हैं। और बंदर भी सोचता है कि बेटा अगर तुम शेर हो या फिर शेर के भैया हो तो जो कुछ भी हो, तुम राजा हो या महाराजा हो तो नीचे हो। पर ये बंदर सोचता है कि बेटा देखता हूँ तू आज मेरे को कैसे पकड़ पाता है। ये दोनों घात लगाए बैठे होते हैं। चीता सोचता है कि जैसे ही ये थोड़ा मेरे हाथ में आता है या थोड़ा सा ऊपर आता है तो इसको मैं तुरंत दबोच लूँगा। पर चीता ऊपर लटके लटके थक जाता है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो ये सोचता चलो एक बार ट्राई करना चाहिए। और जैसे ही ये बंदर को पकड़ने के लिए ट्राई करता है और बंदर जैसे ही पकड़ने के लिए ट्राई करता है तो ये बंदर समझ जाता है कि अब ये ऐसे काम नहीं चलने वाला है। तो ये थोड़ा और नीचे आने की कोशिश करता है और तुरंत ही झट से क्या होता है कि बंदर पहुंच जाता है पीछे। और ये भाई साहब क्या, अब ये पीछे नहीं जा सकते, इनको तुरंत धड़ाम से नीचे गिरना पड़ता है। ये समझ जाते हैं कि आज का भोजन ये नहीं, कहीं और तलाश करना पड़ेगा। और तुरंत ही ये सोचते हैं कि चलो अब यहाँ से चले। एक जेबरा खड़ा होता है और जेबरा समझ जाता है कि अब यहाँ से भागना मुश्किल ही नामुमकिन है। जेबरा तुरंत अपने आप को सरेंडर कर देता है क्योंकि उसको पता है कि आज तो हमारे को भोजन बनना ही है। तो वो किसी भी बिना हरकत के अपने आप को सरेंडर कर देता है। दोस्तों अब इस बारी क्लिप में देखिए यहाँ पे जो शिकार पड़ा हुआ है वो है शेर का और दो शेरों ने मिलकर यहाँ पे तेंदुए का शिकार किया हुआ है। पर यहाँ पे कुछ और देखने को मिलता है जो शायद आपने आज देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो शेर तेंदुए को मारने की सोच रहा है उसी टाइम पे यहाँ दो तीन शेरनी आ जाती हैं और जिस शेरनियाँ मिलकर इस तेंदुए को बचाने की कोशिश करती हैं। देखो यहाँ पे इस शेरनी तेंदुए के लिए लड़ रही है जो कि आपको अक्सर कभी नहीं देखा जाएगा, देखने को मिलेगा, क्योंकि अक्सर कभी नहीं होता है कि शेर और शेरनी आपस में लड़ती हों। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी बेहतरीन क्लिप और ऐसी बेहतरीन कॉमेडी के साथ वीडियो आपको लाते रहेंगे।